हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नए दमदार वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही अच्छा है। आज का वीडियो यदि आपने देख लिया तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। मेरे प्रियजनों, तुम सत्य को जानोगे और परमेश्वर आपको आज़ाद कर देगा। परमेश्वर का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 22:14 में लिखा हुआ है, धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे, नए यरूशलेम में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूंजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। मेरे प्रियजनों, वचन साफ बता रहा, ऐसे घिनौने काम करने वाले स्वर्ग के राज्य के वारिस ना होंगे। परमेश्वर के प्रकोप के साथ कटोरे उंडेले जाएंगे, वीडियो देखकर दिल दहल जाएगा। आज के इस समय में बहुत से लोग पाप में, बुराई में, व्यभिचार में जकड़े हुए हैं। मैं बोल रहा हूँ, अभी समय है, सुधर जाओ। याद रखना, अगर आप चर्च जाते हो, बाइबल भी पढ़ते हो और पाप भरा जीवन जीते हो तो उससे कोई लाभ भी नहीं है। मेरे प्रियो, कोई लाभ भी नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, अभी तो अच्छा ही नज़र आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है पाप करने में, गंदे वीडियो देखने में। याद रखना, अगर अचानक यीशु मसीह आ गया और आप इसी तरह पाप करते करते मर गए अचानक, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? मेरे प्रियो, पाप कर रहे हो तो आप सोच कर देखो, अगर आप पाप कर रहे हो तो सोच कर देखो कि यीशु मसीह आपको स्वर्ग देगा, यीशु मसीह आपको स्वर्ग लेकर जाएगा। अरे, परमेश्वर ने उन स्वर्ग दूतों को नहीं छोड़ा जिनके अंदर पाप उत्पन्न हुआ था। तो आप किस खेत की मूली हो, परमेश्वर आपको कैसे छोड़ेगा। याद रखना, परमेश्वर के प्रकोप के साथ कटरे उंडेले जाएंगे उस 7 वर्ष में जो यहाँ पर रह जाएंगे, उनके लिए तो हाय, कड़वा पानी पीना पड़ेगा, लहू पीना पड़ेगा। अभी समय है मेरे प्रियो, अभी तो आपके पास टाइम है। बाइबल बताती है, एक बार मरना और फिर उसके कामों के अनुसार उसका न्याय करना बहुत ही ज़रूरी है। वो आत्मा मरने के बाद धनवान की साइड या अब्राहम की साइड चली जाएगी उस समय। इसलिए अभी टाइम है मेरे प्रियो, अभी समय है, अभी वक्त है। बाइबल बताती है 21:8 में लिखा हुआ है, पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पुंज को और उन सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु। मेरे प्रियो, बाइबल साफ साफ बताती है, जो पाप करते, व्यभिचार करते, अविश्वासी, जो यीशु मसीह को नहीं जानते, नरक की झील में तड़पते होंगे मेरे प्रियो, जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ की कीड़े कभी नहीं मरते हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने साफ साफ कहा था, ना तो तुम उस दिन को जानते हो, ना उस घड़ी को जानते हो, मैं कब आऊँगा, मेरा कब आना होगा, कब मेरा आना होगा। मेरे प्रियो, इसलिए बाइबल बताती है, आप तैयार रहो, आप शैतान के वश में उसके पीछे मत जाओ मेरे प्रियो। ऐसा समय आएगा कि लोग उस समय मौत मांगेंगे, मौत नहीं आएगी। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है प्रकाशित वाक्य 6:12-17 मैं पढ़ देता हूँ बाइबल से प्रूफ आपके लिए। और जब उसने 6वीं मोहर खोली तो मैंने एक बड़ा भुइंडोल हुआ और सूर्य कंबल की नाई काला हो गया और पूरा चंद्रमा लहू सा लाल हो गया और आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसा बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ से कच्चे फल झड़ते हैं और आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है और हर एक टापू अपने अपने स्थान से टल गया और पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हरेक दास हरेक स्वतंत्र पहाड़ों की खोह में और चट्टानों में जा छिपेंगे उस समय। और पहाड़ों से क्या कहेंगे? आगे लिखा, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगेंगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुँह से, जो सिंहासन पर बैठा उसके मेमने के क्रोध से प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके क्रोध के प्रकोप का भयानक दिन अब आ पहुंचा। अब कौन ठहर सकता है मेरे प्रियो। जब 6वीं मोहर खोली जाएगी तो हाय, जो यीशु मसीह के साथ नहीं जा पाएंगे, जो 7 साल के क्लेश काल में यहाँ पर रह जाएंगे,
फंस जाएंगे। जितने लोग बड़े बड़े लोग हैं, प्रधान लोग हैं, धनवान लोग हैं, सामर्थ्य लोग हैं, जिनके पास धन है, दौलत है, पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, वे अंत के दिनों में अपने आप को बचाने के लिए चट्टानों की गड्ढों में, छेदों में, दरारों में जाकर छिपेंगे। वे लोग उस समय मौत मांगेंगे, परंतु मौत नहीं आएगी। इतना तड़पाएगा परमेश्वर उन लोगों को जो उनकी सहनशीलता से बाहर होगा। जो परमेश्वर का कहर है, क्रोध है, बोलेंगे मुझे परमेश्वर के कहर से, क्रोध से छिपा लो, उसके कहर से छिपा लो। मेरे प्रभु, अभी समय है, अभी वक्त है मेरे प्रभु, पाप बुराई व्यभिचार छोड़ दो और लौट आओ, परमेश्वर आपको माफ कर देगा। लौट आओ, आपके पाप मिटाए जाएंगे, पाप परमेश्वर आपके मिटा देगा। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है मेरे प्रियो, एक लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। आशा करते हैं छोटा सा संदेश आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को दबा के शेयर करें अपने मसीह भाइयों के पास। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की, गुड लक।